Hello students, welcome to our YouTube channel Evolution Classes. So this is the first chapter of class 8, crop production and management. So first of all we have to know what is crop production and management. So crop production ki agar hum baat kare to crop ka matlab hota hai fasal, production matlab produce karne wali process and management matlab uska dekhrekh, uska prabandh kis tarike se kiya jayega. To is chapter mein hum log kya padhne wale hain? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है. ठीक है, फसल का उत्पादन और उसका प्रबंध किस तरीके से किया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में है ये चैप्टर. काफी अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में ये क्रॉप का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट बताया गया है, जिसके लिए यहाँ पे दो फिगर्स हैं, ये हैं बोझो और ये हैं पहेली. जैसे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते रहते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चंस आते रहते हैं, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में ये चीज चलती रहती है कि एक क्वेश्चन पूछता है दूसरा आंसर देता है, तो बस यही चीज इन दोनों के बीच में भी चलेगी और उसके साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी. ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से. जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे, बाकी लाइन टू लाइन हम सब कुछ पढ़ेंगे. ओके, चलिए. पहेली एंड बोझो. पहेली एंड बोझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. So पहेली और भोजो अपने uncle के घर जाते हैं. Uncle के घर जाते हैं गर्मी के समय. ठीक है, during the summer, गर्मियों के मौसम में वो अपने uncle के घर जाते हैं summer vacation में, गर्मियों की छुट्टी में. ठीक है, उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर हैं. क्या हैं? किसान हैं. अंकल उनके फार्मर हैं. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी. एक दिन वो देखते हैं कि कुछ टूल्स जैसे कि खुरपी आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है, जिससे गार्डनर जो हैं, जिससे जो सॉइल है सॉइल को लूज करते रहते हैं, उस टूल को खुरपी बोला जाता है. सिकल, ये हमारे घर पे भी होता है, हैसिया इस टाइप की शेप का होता है ये, कुछ इस तरह से. ठीक है, इसको बोला जाता है सिकल. उसके बाद सोयल, ये जो फिगर आप लोगों को दिख रही है ना, ये है सोयल. इससे मिट्टी वगैरह हटाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, इसको बोला जाता है सोयल. सोयल, ठीक है. प्लग, ये है हल. हल आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में, जिसने रियलिटी में नहीं देखा तो उसने मूवीज में देखा होगा. फील्ड में ये सारी चीजें आप भोजो और पहेली को देखने को मिल रही हैं. ठीक है, पहेली और भोजो फार्म अपने अंकल के घर जाते हैं समर में. उनके अंकल एक फादर हैं, उन्होंने फील्ड में कुछ टूल्स देखे हैं जैसे कि खुरपी, सिकल, सोयल, प्लग. ठीक है, अब भोजो के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है. क्या? भोजो के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है. वो क्वेश्चन क्या है? आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स. भोजो पूछता है पहेली से, मैं जानना चाहता हूं कि कहां और कैसे इन टूल्स का यूज होगा. अब देखते हैं आगे क्या चीज है. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्स. प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं. ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं. आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ खुद बनाते हैं. ठीक है, तो उनमें एग्जांपल होता था प्लांट्स का. तो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. सो ये आगे लिखा हुआ है, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते थे, क्या आप लोगों को पता है? तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. एनसीईआरटी में काफी अच्छे तरीके से बीच बीच में सारी चीजें रिवाइज कराई जाती हैं. तो इसका आंसर क्या होगा कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं किस प्रोसेस के द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या होता है इस प्रोसेस का नाम? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, आगे चलते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. एनिमल्स जिनमें हम ह्यूमंस को भी इंक्लूड करते हैं, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उनको बोला जाता है
क्या बोला जाता है उनको? हेटरोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है? हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो एनिमल्स को अपना खाना कहाँ से मिलता है? तो ध्यान से सुनिए, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और हम प्लांट से या दूसरे एनिमल से खाना लेते हैं। जो फ्लैश खाते हैं वो फ्लैश लेते हैं, और जो जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट से अपना फूड गेन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चीज चलती रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें फूड की जरूरत क्यों होती है। चलिए तो देख लेते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि जो एनर्जी है, फूड से एनर्जी मिलती है, ठीक है। हम खाना क्यों खाते हैं, इसका आंसर है ये, फूड से एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी हर ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज कर ली जाती है, यूटिलाइज कर ली जाती है। किस लिए, किस काम में यूटिलाइज कर ली जाती है? हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, जितनी भी प्रोसेस हम लोग कर रहे होते हैं, उन सारी प्रोसेस के लिए, उन सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। और वो फंक्शंस या वो प्रोसेस क्या हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, समझ आया। फूड हम लोग क्यों खाते हैं? फूड से हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हर ऑर्गेनिज्म यूज कर लेता है अपनी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। फंक्शंस कौन कौन से फंक्शंस? जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। चलिए, सो वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हम अपना खाना प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हैं, एनिमल से भी कर सकते हैं, और दोनों से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब भोजो के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है। भोजो एक और क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्या? सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन अ कंट्री? तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनका पूछना है कि भाई हम सबको फूड की जरूरत पड़ रही है, तो हम इतना सारा फूड मतलब एक कंट्री में कितने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों के लिए लार्ज नंबर पे फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे करते हैं हम इतने लार्ज नंबर पे फूड प्रोवाइड? तो इसका भी आंसर आगे हम लोग देखते हैं। अब पहेली क्या बताती है, पहेली के पास आते हैं। ये है पहेली, ये क्या बोल रहे हैं? मेरा जो ये कर्सर आ रहा है उसकी तरफ आप लोगों को ध्यान देना है, उसी हिसाब से रीडिंग चल रही है। तो पहेली क्या बोलती है, इस बॉक्स में लिखा है, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। भोजन ने पूछा इतना सारा खाना कहाँ से आता है, एक कंट्री में कितने सारे लोग होते हैं। तो पहेली का बोलना है कि भाई फूड का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे किया जाता है। चलिए ये भी ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। लार्ज प्रोडक्शन पे अगर फूड प्रोवाइड कराना है हमें, अगर हमें लार्ज प्रोडक्शन पे फूड प्रोवाइड कराना है, लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराना है, तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, रेगुलर उत्पादन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने प्रोडक्शन तो बहुत कर लिया, एक तरफ खाना एक कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो एक कुछ स्टेट्स में खाना बहुत अच्छे अमाउंट में मिल रहा है, कुछ स्टेट्स में खाना मिल ही नहीं पा रहा। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें क्या क्या चीजें देखनी है, तो वो चीज देखिए, हमें क्या क्या चीजें देखनी है प्रोडक्शन के साथ साथ। रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने एक साल फूड का प्रोडक्शन कर लिया, बाकी 2 साल बैठे हुए हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो प्रॉपर मैनेजमेंट और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराना है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। आगे बोला जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किस तरह से की जाती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, टिल
10,000 बीसी बिफोर क्राइस्ट, तो 10,000 बीसी तक क्या देखने को मिला? पीपल्स वर नोमैडिक, पीपल्स वर नोमैडिक, नोमैडिक मतलब घुमंतू, जिनका अपना खुद का एक पर्टिकुलर घर नहीं होता, ये सीजन के हिसाब से, फूड के हिसाब से मूव करते रहते एक जगह से दूसरी तरह, ठीक है। नोमैडिक वो मेंबर्स हैं, नोमैडिक वो मेंबर्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, इनका कोई परमानेंट होम नहीं होता, परमानेंट हाउस इनका नहीं होता, इनको हिंदी में घुमंतू बोलते हैं, ठीक है। दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वेंडरिंग मतलब होता है भटकना, ठीक है। तो ये ग्रुप्स में घूमते रहते थे, ये ग्रुप्स में भटकते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, किस चीज के लिए? ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड और शेल्टर के प्रोडक्शन, फूड और शेल्टर के लिए। जहां पे ना फूड दिखता था वहीं पे ये लोग रहने लग जाते थे, फिर वो सीजन गया कहीं दूसरी जगह ना फूड देखने को मिला तो वहां पे ये लोग रहने लग गए। तो मतलब इस तरीके से मूवमेंट इनका चलता रहता था, ठीक है। दे एट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। देखिए, इन्होंने शुरुआत करी कच्चे फूल, कच्चे फल और सब्जी खाने से। जब कच्चे फल और सब्जी खाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे इन्होंने एनिमल्स को फूड के तौर पे हंट करना स्टार्ट कर लिया, फूड के लिए हंट करना, उनका शिकार करना स्टार्ट कर दिया। लेटर उसके बाद इन्होंने क्या किया, दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे बॉर्न हुआ ये यहाँ पे बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। नोमैडिक कुछ पीपल्स थे 10,000 बीसी तक, ये देखने को मिला कि जो लोग हैं, मतलब नोमैडिक्स पीपल देखने को मिले जो कि दर दर घूमते रहते थे और फूड जो है वो ढूंढते रहते थे। इन्होंने स्टार्ट किया रॉ फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना, फिर हंटिंग स्टार्ट करी, एनिमल्स को हंट करके फूड के तौर पर लिया जाता था। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे लैंड कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, जमीन पर खेती करना स्टार्ट किया और प्रोडक्शन किसका करना स्टार्ट किया, इन्होंने प्रोडक्शन राइस वीट और कुछ और फ्रूट फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। इस तरह से एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई, एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग इस तरह से हुई, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे देखने को मिलता है कि वैन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है, ये आप नोट कर लें, ये जो डिफाइन है, वैन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब प्लांट्स, सेम तरीके के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं और कल्टीवेट किए जाते हैं एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, एक जगह पर अगर लार्ज अमाउंट में एक जगह पर एक ही तरह के प्लांट्स ग्रो किए जाएं और उनकी खेती की जाए एक ही जगह पर, ठीक है, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। For example, crop of wheat means that all plants grown in field are that of wheat. अगर मैं कहूँ कि गेहूं की खेती है तो गेहूं की खेती का मतलब कि उस पूरी जमीन पर गेहूं ही होंगे, वीट ही होंगे, ठीक है। तो crop of wheat means that all plants grown in field are that of wheat, ठीक है। तो crop की define आप लोगों को याद करनी है। उसके बाद बात आती है, You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. क्या आप पहले से जानते हैं कि crops के भी काफी type हैं, जैसे कि cereals, अनाज की अलग होती है खेती, vegetables अलग हैं, fruits अलग हैं, ये सारी चीजें। So these can be classified on the basis of season in which they grow. ये चीज याद रखना, types, अगर crop का type पूछा जाता है तो आप टाइप तो लिखेंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं, बेसिस क्या है, किस बेसिस पे बोला जा रहा है। तो बेसिस क्या है, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, जिस सीजन में वो ग्रो हो रहे हैं उस बेसिस पे क्रॉप के टाइप क्या है, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, आगे देखने को मिलेगा आप लोगों को, वहां पर दोबारा ये चीज बता दी जाएगी। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो देखिए, इंडिया जो है वो काफी वास्ट कंट्री है, तो
क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नमी को बोलते हैं, ठीक है, एंड रेनफॉल बारिश, ये सब वेरी करती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे कि आप इंडिया में अगर देखें तो नॉर्थ रीजन में सीजन अलग हो जाता है, साउथ रीजन में बारिश रेनफॉल अलग अलग टाइप का होता है, कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं पे टेम्परेचर कम है तो कहीं पे ज्यादा है, ये सारी चीजें आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेंगी। सो अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स। तो काफी सारी क्रॉप्स की वैरायटी हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स में, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में ग्रो की जाती हैं। डेस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। इसके भी बावजूद हमने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरायटीज देखी जा रही हैं क्रॉप की, इसके बावजूद भी क्रॉपिंग पैटर्न, दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न दो तरीके के क्लासिफाई किए गए हैं यहाँ पे। नंबर 1 खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसको बोलते हैं ये भी आप लोगों को डिफाइन याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन। खरीफ क्रॉप द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वो क्रॉप जो कि रेनी सीजन में ग्रो बोई जाती हैं, सोन मतलब बोना, तो वो क्रॉप जो कि रेनी सीजन में बोई जाती हैं उन क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। अब ये जो खरीफ क्रॉप, रेनी सीजन कौन सा सीजन होता है इंडिया में, तो द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है। सीजन कौन सा होता है, जून टू सितंबर, तो जो फसलें जून से सितंबर तक चलती हैं, बोई जाती हैं, उनको खरीफ क्रॉप बोला जाता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं सीधे सीधे। सो एग्जाम्पल क्या होंगे, पैडी जो कि राइस की होती है, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन एटसेट्रा, ठीक है। ये सब हैं, ये सब खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग को एग्जाम्पल और डिफाइन दोनों याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये सीजन के बेसिस पे चल रही हैं। चलिए नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है रबी क्रॉप। क्या है रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जो कि रेनी सीजन में बोई गई, रबी क्रॉप द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, जो कि विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं उनको बोला जाता है रबी क्रॉप। अब ये विंटर सीजन, इंडिया में विंटर सीजन जनरली कौन सा होता है, तो विंटर सीजन होता है अक्टूबर टू मार्च, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं रबी क्रॉप के, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स आप लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट याद करने हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, गेहूं, चना, मटर, सरसों, लिनसीड, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। आप कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल एटलीस्ट याद कर लें, और अगर सारे कर लेंगे तो अच्छी बात है ही। आगे देखते हैं हम लोग, बिसाइड दीज, इसके अलावा, बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो पल्सेस भी, पल्सेस मतलब दालें और सब्जियां भी ग्रो की जाती हैं समर में एट मैनी प्लेसेस, काफी जगह पे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं आगे क्या चीज लिखा हुआ है। सो बेसिस, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिसेस हमें देखनी है। उससे पहले बोझो के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया है, व्हाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। पैडी क्यों नहीं विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, भाई पैडी जो है वो हमने एग्जाम्पल देखा खरीफ क्रॉप का, किसका एग्जाम्पल देखा, खरीफ क्रॉप का। तो भोजो के दिमाग में आया कि भाई पैडी क्यों नहीं, मतलब जो गेहूं नहीं, चावल, चावल की जो खेती होती है वो क्यों नहीं विंटर सीजन में की जा रही है। तो अब देखिए पहेली क्या इसका आंसर देती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, ध्यान से देखिए, पैडी रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो देखिए पैडी को जरूरत होती है बहुत ज्यादा पानी की, शायद आपने अगर पैडी की फसल देखी हो तो आपने देखा होगा कि उसमें पानी पूरा खेत भरा रहता है, ठीक है। तो पानी की बहुत जरूरत होती है और रेनी सीजन में बारिश होती है, इसीलिए पैडी जो है वो रेनी सीजन के हिसाब से लगाई बोई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सी सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
तो क्रॉप का जो कल्टीवेशन होता है उसमें काफी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि फार्मर्स के द्वारा यूज की जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टाइम के हिसाब से। ठीक है, यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाई गार्डनर और इवन बाई यू वेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। तो ये एक्टिविटीज कुछ वैसे ही होती हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गार्डनर गार्डनर अपने गार्डन में कभी खुरपी से कभी कटिंग जो लीव्स वगैरह की एंडिंग कटिंग करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। इवन आप लोगों के घर में भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं सजावट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ भी आप जो करते हैं मतलब उनके देखभाल के लिए जो भी किया जाता है वो सारी एक्टिविटीज कुछ कुछ वैसे ही होती हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए जो यूज की जाती हैं। सो दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये जो टास्क किए जाते हैं इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पूछी जाती हैं। सो दीज एक्टिविटीज और टास्क अंडरलाइन हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। दीज एक्टिविटीज और टास्क रेफर्ड यहां से आप लोगों को यहां से करना है, वॉट आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगर आपसे पूछा जाता है वॉट आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो आप क्या लिखेंगे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद आप लोग यहां से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से ये ले लेंगे, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज यहां से आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो आप लोगों को इस तरीके से जोड़ के पूरा ऐड करके लिखना पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, दीज एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। ये कौन कौन सी एक्टिविटी है, सो नंबर वन है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रिपेयर करना, सोइंग बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना, इरिगेशन सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, ये सब कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा इसीलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट हेडिंग पढ़ती हुई जा रही हूँ। वीड से हमें वीड से फसल को बचाना, वीड्स अनवांटेड प्लांट है क्यों बचा रहे हैं वो भी सब कुछ देखने को मिलेगा, हार्वेस्टिंग कटाई और स्टोरेज। ठीक है, कटाई के बाद फिर उसको स्टोर किया जाता है। तो ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो कि फार्मर्स करते रहते हैं समय के साथ साथ। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस तरीके से होता है। फर्स्ट स्टेप है व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है वो हमें देखना है। तो देखते हैं हम लोग, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो फर्स्ट स्टेप है फसल ग्रो कराने का। इसमें जो इम्पोर्टेंट टास्क है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, ये जितने भी टास्क हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जिसमें हम करते क्या हैं, हम सॉइल को टर्न करते रहते हैं और उसको लूज करते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने अर्थवर्म देखा है, अर्थवर्म क्या करता है बार बार नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। तो इससे क्या होता है, इससे सॉइल जो है वो लूज होती रहती है। आपने गार्डन में देखा होगा कि जो गार्डनर्स होते हैं वो खुरपी से बार बार जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो वो होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल, उसको बोला जाता है लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को लूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दिस अलाउज, इससे क्या होता है, दिस अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीप इंटू द सॉइल। इससे होता क्या है, अगर आप सॉइल को लूज कर देते हो तो जो रूट्स होती हैं जो जड़ होती हैं वो जड़ आराम से पेनिट्रेट मतलब घुसती हुई चली जाती हैं सॉइल के अंदर तक, गहराइयों तक जा पाती हैं। ठीक है, द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ। अब ये लूज सॉइल से होगा क्या, इस लूज सॉइल से ही जो रूट होती हैं वो ब्रीथ कर पाती हैं इजिली इवन वेन दे गो डीप इन टू द सॉइल। ठीक है, तो देखिए ये चीज भी आप लोगों को आज पता चल गई कि गार्डनर्स बार बार खुरपी से ऊपर नीचे क्यों करते रहते हैं, सॉइल को लूज क्यों करते रहते हैं, जिससे कि जो रूट हैं वो ज्यादा गहराई तक जा पाए, और जितनी ज्यादा गहराई तक भी जाए वो उनको ऑक्सीजन या उनको वो ब्रीथ करने वो ब्रीथ कर पाए।
ठीक है, अच्छे से ब्रीथ कर पाए, वो इजिली ब्रीथ कर पाए चाहे वो कितनी भी गहराई तक जाए, ठीक है। सो व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि क्यों लूजनिंग ऑफ सॉइल रूट्स को इजिली ब्रीथ कराने में एबल होता है, ठीक है। ऐसा क्या होता है सॉइल को लूज करवाने से जिससे कि रूट्स जो है वो इजिली ब्रीथ करती हैं, तो वो भी हम लोग वहीं पे देख लेते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेन्स मैनी मिनरल्स, क्यों जरूरी है ब्रीथ करवाना, क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है सॉइल कंटेन्स मिनरल्स वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को पता है आपने क्लास सेवेंथ में सॉइल प्रोफाइल, सॉइल के हॉरिजन सारे पढ़े थे और आपने उनमें देखा होगा कि सॉइल में काफी सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। सॉइल कंटेन्स मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म के साथ की वजह से, ठीक है। इन दिस वे, ये चीज समझ आई, हमने देखा सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके साथ साथ कुछ डेड प्लांट्स होते हैं या प्लांट के पार्ट भी हो सकते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। डिकम्पोज मतलब खत्म हो जाते हैं, सड़गल के खत्म हो जाए। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। इस दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा कि काफी सारे न्यूट्रिएंट्स इन द जो कि डेड ऑर्गेनिज्म में थे वो सॉइल में आ जाते हैं। देखो होता क्या है, ये है हमारी सॉइल, ठीक है। इस सॉइल में जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, प्लांट पार्ट को और जो एनिमल्स, इसमें एनिमल्स मतलब इंसेक्ट्स वगैरह जो मिल गए हैं वो सबको डिके कराने में, डिकम्पोज कराने में मदद करेगा। अब इससे होता क्या है, तो जो प्लांट होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, उन सबके पास न्यूट्रिएंट होते हैं। जब वो न्यूट्रिएंट वहीं पर डिकम्पोज हो जाता है तो वो न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जब वो न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो जो रूट है, जो रूट इस सॉइल से न्यूट्रिशन ले रही है, वो रूट आसानी से न्यूट्रिशन ले पाएगी और काफी अच्छे न्यूट्रिशन ले पाएगी, ठीक है। सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये जरूरी पॉइंट है यहाँ पे कि प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेती है, वो रूट्स के द्वारा लेते हैं। रूट्स कहाँ से लेती हैं, रूट सॉइल से लेती हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ जाते हैं, तो सॉइल के पास पहले से ही कुछ मिनरल्स वाटर वगैरह होते हैं, इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स और प्लांट्स वहां पर डिके हो जाते हैं और उनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और प्लांट के पास प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आगे चलते हैं। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, कुछ सेंटीमीटर्स तक सॉइल की टॉप लेयर के से कुछ सेंटीमीटर्स तक ही प्लांट की ग्रोथ सपोर्ट की जाती है, ठीक है। टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल, ये सब सपोर्ट किए जाते हैं कुछ सेंटीमीटर्स तक ही, और उसकी वजह से होता क्या है, ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, जिसकी वजह से टॉप पर कैसी सॉइल आ जाती है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल आ जाती है। उससे होता क्या है, सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट, प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो टर्निंग मतलब टर्न करने से सॉइल को और लूज करने से क्या हमने देखा कि जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत अच्छे तरीके से प्लांट तक पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है और जो भी एनसीईआरटी बुक यूज करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि सीटेट वाले स्टूडेंट्स जो हैं या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पढ़ सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।
थैंक यू।